सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का क्वेश्चन है सेचुरेशन फैक्टर निकालना, जिसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर हम बता सकते हैं। तो मेरा गिवेन डाटा है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है देयर आर फोर अल्टरनेट प्रपोजल ऑफ रोड प्लान्स फॉर अ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, द डिटेल्स आर गिवेन बिलो। ये आपका डिटेल्स दिया गया है, जो कि नीचे में आपका टेबल बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जस्टिफाई विथ रीजन बी प्रपोजल इन द बेस्ट एज्यूमिंग यूटिलिटी यूनिट ऑफ, यहाँ पर यूटिलिटी देख सकते हैं, यूटिलिटी यूनिट दिया हुआ है 0.5, 1, 2, 4 एंड 8। तो फ्रेंड्स, इसमें दुगना किया जाता है यूटिलिटी फैक्टर, कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर गिवन डेटा में दिया गया है फॉर द फोर पॉपुलेशन रेंज एंड यूटिलिटी यूनिट ऑफ 1 एंड 5 थाउजेंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सर्वे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कि प्रपोजल यहाँ पर लिखा हुआ है PQRS है। टोटल रोड लेंथ यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है 500, 600, 700, 800। उसके बाद यहाँ पर लेस देन 2000 देख सकते हैं, नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज विथ पॉपुलेशन रोड यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रायोरिटी ऑफ पर देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ 1000 टाउन्स यहाँ पर दिया गया है, गिवन डेटा है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे मैं सोल्व कर सकता हूँ? तो सबसे पहले आपको सेचुरेशन फैक्टर निकालना होगा, जो कि आपको पता होगा कि सेचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं सेचुरेशन फैक्टर आपको मैं बता रहा हूँ। सेचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है यूटिलिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। यूटिलिटी आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि प्रपोजल यहाँ दिया गया है PQRS को सभी का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं यूटिलिटी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यूटिलिटी ऑफ पी निकालेंगे, जिसमें कि आपको यूटिलिटी यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.5, अच्छा से दिखा देते हैं, 0.5, 1, 2, 4, 8, यानी दुगना लेना है आपको यूटिलिटी यूनिट। यहाँ पर मैंने देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूटिलिटी ऑफ पी निकालने के लिए सबसे पहले जो नंबर ऑफ टाउन्स है, विलेज एंड पॉपुलेशन रोड है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, यूटिलिटी यूनिट से। यहाँ पर देख सकते हैं 2000 लेस देन के लिए 0.5 मैंने मल्टीप्लाई किया हूँ प्लस, या फिर उसके बाद जो पी का है, सबसे पहले मैं पी के निकाल रहा हूँ, उसके बाद क्यू के निकालूंगा, आर के निकालूंगा और एस के निकालूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अब 2001 से लेकर 5000 के लिए 150 पहले लिखें, उसके बाद इसका यूटिलिटी यूनिट 1 है तो 1 लिखें, उसके बाद प्लस फिर जोड़ें, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकती हैं कि 5000 से लेकर 10000 के लिए है 40 × 2, और 2 आपका हो गया यूटिलिटी यूनिट, जो कि आपको दुगना लेना है। ओके फ्रेंड्स, प्लस फिर इसके बाद 10000 से 20000 के बीच देख सकते हैं 20 हो गया × 4, 4 आपका जो कि आपको यूटिलिटी यूनिट हो गया। प्लस फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर देन 20000 है, तो यहाँ 3 × 8 किए, यानी कि इसका टोटल यदि सम करते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो मैं सम किया, टोटल को मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो 384 आया। उसी तरह आप यहाँ पर यूटिलिटी ऑफ क्यू का निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं क्यू का 200 लिखा हुआ है, तो 200 मल्टीप्लाई 0.5 होगा। उसी तरह प्लस फिर करेंगे 250 मल्टीप्लाई 1, जो कि यहाँ पर मैंने देख किया, उसी तरह 68 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, फिर उसके बाद प्लस फिर जोड़ेंगे 28, यानी 28 मल्टीप्लाई 4 3 × 8, फिर उसके बाद सभी को ऐड कर देंगे, तो इसका जो कि मेरा सम आया 622। उसी तरह आर के निकाल सकते हो, तो आर में देख सकते हैं कि 270 है, मल्टीप्लाई क्या करना है 0.5, जो कि यूटिलिटी यूनिट दिया रहता है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं यूटिलिटी यूनिट्स। तो यहाँ पर फिर ऐड करेंगे 350 मल्टीप्लाई 1, इसका यूटिलिटी यूनिट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस फ्रेंड 82 मल्टीप्लाई 2 किए हैं, फिर 36 मल्टीप्लाई 4 किए हैं, प्लस 4 × 8 किए हैं, तो इसका जो सम आता है 825 आया। उसी तरह यूटिलिटी आप एस के निकाल सकते हो, यदि टी रहता तो टी के निकाल सकते हो। तो सभी को मैंने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद फाइनली इसका आया यूटिलिटी ऑफ सभी का निकाले, यूटिलिटी ऑफ पी का निकाले तो 384 आया। उसी तरह यूटिलिटी ऑफ क्यू के निकाले तो 622 आया। उसी तरह आर के मैंने निकाला फ्रेंड्स, तो 825 आया, और यूटिलिटी ऑफ एस का फाइनली निकालें तो 928 आया। तो ये आपका सबसे पहले यूटिलिटी ऑफ फैक्ट
यूटिलिटी ऑफ पी निकल गया। अब हमको निकालना है सेचुरेशन फैक्टर, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेचुरेशन फैक्टर का आपका फॉर्मूला है, सभी का निकालना है, पी का, फिर क्यू का, आर का, एस का, और टी रहता या अदर जो भी रहता प्रपोजल उसको निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है यूटिलिटी ऑफ पी, पी के निकाल रहे हैं इसीलिए, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पी। ओके, तो यूटिलिटी डिवाइडेड बाय लेंथ होता है इसका फार्मूला सेचुरेशन फैक्टर का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूटिलिटी ऑफ पी के निकाला, तो पी में हमारा सम जो आया था यूटिलिटी ऑफ पी 384 आया था, देख सकते हैं यूटिलिटी ऑफ पी 384 आया था यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह यूटिलिटी ऑफ क्यू का निकाले थे, तो उसी तरह देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यूटिलिटी ऑफ क्यू के निकाले हैं तो 622 आया। उसी तरह आर के निकाले तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, फार्मूला पर रख देना है। तो यहाँ पर मैंने पी का रख दिया हो, तो इसका जो कि डिवाइडेड किए फ्रेंड्स, यूटिलिटी यूटिलिटी आया 384 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 500, जो कि आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, टोटल रोड लेंथ किलोमीटर में, तो इससे भागा देना है यानी डिवाइड करना है सभी का। यदि पी का कर रहा है तो पी से डिवाइड कर देना, क्यू का, आर का और एस का, यहाँ पर देख सकते हैं सभी का मैंने डिवाइड कर दिया हूँ। पहले यूटिलिटी लिख दिया हूँ, यूटिलिटी ऑफ पी क्यू आर इसका, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला था, जो मैंने आपको दिखा दिया था कि इतना आया है, तो इसको यहाँ पर मैंने रखा और डिवाइड किया। उसके बाद आपको प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना होता है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, आर का है, तो आर का देख सकते हैं 1.178 है, इसीलिए यहाँ पर आर हो गया इसका। उसके बाद एस का है, इससे कम है एस का, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एस का 1.16 है। उसी तरह इसका इससे भी लेस है क्यू का, क्यू का यहाँ पर देख सकते हैं 1.036 है। उसी तरह इससे भी कम किसका है, आपका पी का है। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, यानी कि इन यहाँ पर देख सकते हैं पी से सबसे ज़्यादा क्यू का है, क्यू से सबसे ज़्यादा एस का है, और एस से सबसे ज़्यादा आर का है। तो यही आपका प्रायोरिटी ऑर्डर पूछा था। यहाँ पर जस्टिफाई रीजन विथ प्रपोजल ऑन द बेस्ट एज्यूमिंग, तो यही आपका प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहिए, ताकि इसी तरह का आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।